जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने कौमी असम्बली से कम अज कम 8 महीने पहले इस्तीफे दे दिए थे, आज एक बार फिर उन्होंने इस्तीफे देने के लिए स्पीकर को खत लिख दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयानिया ये अडॉप्ट किया आज स्पीकर को खत लिखे जाने का कि वो अपने इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए कौमी असम्बली में आए थे, कौमी असम्बली में जाना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने सेशन ही प्ररोक कर दिया है, जिसकी बिना पे पीटीआई ने अब स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिख दिया है कि उनके इस्तीफे जल्द अज जल्द मंजूर किए जाएं। इससे पहले जो 7-8 एमएनएस के पीटीआई के इस्तीफे मंजूर किए गए थे, वो तमाम की तमाम सीट जो इलेक्शंस हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिटेन कर ली सिवाय एक सीट के, जिसके बाद हुकूमत को शायद कान हो गए, हुकूमत को शायद एहसास हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर करना इतने आसान नहीं है, और उसके बाद रेजिग्नेशन मंजूर करने का सिलसिला रोक दिया गया। इन द मीन टाइम पीटीआई पीडीएम की गवर्नमेंट, इनके दरमियान मुजाकरात भी होते रहे, इसहाक डार, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, लेकिन ये मुजाकरात बड़े तातुल के साथ, बड़े रुक रुक के, बड़े जर्क्स के साथ हो रहे हैं और इनमें से कोई नतीजा फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आता, और शायद यही वजह है या इमरान खान को किसी सियासी नतीजे की बहुत जल्दी है कि वो असेंबलियां तहलील करने पे बिल्कुल डट गए हैं, बिल्कुल मुसर हो गए हैं, बावजूद इसके कि परवेज इलाही समेत पंजाब के कई अहम अराकीन ने, यहां तक के पंजाब के एमएनएज ने भी कई इमरान खान को यही मशवरा दिया कि फिलहाल प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व करना पीटीआई के लिए कोई फायदेमंद फैसला नहीं होगा, लेकिन आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट कर दी है कि 17 दिसंबर को ऐलान किया जाएगा और असेंबलियां तोड़ो तहरीक जो है वो शुरू होनी है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, सवाल ये पैदा होता है कि 17 दिसंबर को क्या इमरान खान पंजाब और केपी असेंबली डिसॉल्व करने का ऐलान कर देंगे, और इमरान खान के ऐलान के बाद उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, क्योंकि असेंबलीज तो चीफ मिनिस्टर्स ने रिजॉल्व करनी है, चीफ मिनिस्टर्स ने समरी पहुंचानी है गवर्नर को, गवर्नर ने मंजूर करनी है, नहीं भी मंजूर करता तो 48 घंटे के अंदर असेंबलीज डिसॉल्व स्टैंड करेंगी, लेकिन क्या इमरान खान का ऐलान काफी होगा असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए, खासतौर पर पंजाब असेंबली, क्या परवेज इलाही उसी वक्त फौरन समरी भेज देंगे, मूव कर देंगे गवर्नर को, या फिर असेंबलियां तोड़ो तहरीक जिसका आज एक तरह से ऐलान किया गया है कि जी 17 को ये बाकायदा शुरू हो जाएगी, तो क्या हम एक और अनाउंसमेंट सुनेंगे कि अब असेंबलियां तोड़ने के लिए तहरीक चलाई जाएगी, इसका मतलब क्या है, क्या एक और सियासी यू टर्न लेने के लिए कोई विंडो खोली जा रही है, कोई रास्ता खोला जा रहा है, और इस सारे सिनेरियो में, इस सारे पॉलिटिकल केस में पीडीएम की गवर्नमेंट कहां स्टैंड करेगी। मईशत की सूरत हाल इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, डिफॉल्ट का खतरा तो नहीं है लेकिन बहरहाल मईशत कोई बहुत बेहतर नहीं है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, गैस नहीं मिल रही, फ्यूल नहीं मिल रहा, बिजली प्रोवाइड नहीं हो रही है, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल बहुत कुछ अच्छी नहीं है, डॉलर 250 रुपए पर भी इस वक्त ओपन मार्केट में इंटरबैंक पे नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में। सो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट कहां करेंगी या क्या कंट्रीब्यूट करेंगी आने वाला सियासी मंजरनामा, आने वाले मुल्क के लिए जो मुआशी और सियासी हालात हैं वो क्या होंगे, इस पर डिबेट आज प्रोग्राम में जनरेट करेंगे और सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, और इसी डिबेट को जनरेट करने के लिए आज बड़ी जबरदस्त शख्सियत, बड़े जबरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी ना सिर्फ सहाफत पर बल्कि सियासत पर भी बड़ी गहरी नजर है, मुल्क के मशहूर और मारूफ तजियाकार हैं, सहाफी हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मोहसिन बेग साहब सीनियर तजियाकार हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नजीर लखारी साहब सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आदिल अब्बासी साहब सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं, एआरवाई पे अपना प्रोग्राम करते हैं, अमीर अब्बास साहब सीनियर सहाफी तजियाकार हैं, बोल टीवी पे अपना प्रोग्राम करते हैं। आदिल अब्बासी साहब, आपसे मैं सवाल का आगाज करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है 17 दिसंबर को इमरान खान ऐलान कर देंगे पंजाब के पी असेंबली डिसॉल्व करने का, या एक असेंबलियां तोड़ो तहरीक का ऐलान होगा कि जी हमने एक तहरीक चलानी है और उसके बाद हम देखेंगे, और ये असेंबलियां तोड़ो तहरीक इससे आपको समझ के आती है, और लेट्स सपोज इमरान खान अगर ऐलान कर भी देते हैं असेंबली डिसॉल्व करने का, तो परवेज इलाही कहां खड़े होंगे, क्या वो इमीडिएटली समरी मूव कर देंगे गवर्नर को? आदिल अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? 17 तारीख को मेरा ख्याल है इन्होंने खुद भी कहा है कि हम असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करेंगे, और जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो खबरें आ रही हैं, वो 23 दिसंबर की आ रही है, और जो 23 दिसंबर को अगर वो असेंबलियां तोड़ भी देते हैं इमरान खान साहब, तो हमें सबको अच्छी तरह पता है वो बहुत बड़ा टेस्ट होगा उस दिन उनका, क्योंकि परवेज इलाही साहब बिल्कुल विलिंग नहीं है। अच्छा, जो
सवाल पैदा होता है कि परवेज राई साहब नहीं है, वो तो हम सब रीजन जानते हैं, पंजाब में अपनी ग्रिप रखना चाहते हैं, उन्हें पता है पंजाब छोड़ने का मतलब किसी न्यूट्रल वेन्यू पे देने का मतलब या इंटरिम को देने का मतलब ये होगा कि आपकी अगले तीन चार महीने में सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा। लेकिन परवेज इलाही साहब एक बात खान साहब को ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने बहुत स्मार्टली समझाने की कोशिश की, उनको पता है वैसे खान साहब ने किसी की बात माननी तो होती नहीं है, तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि आपके लिए भी मसला हो जाएगा, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, आप जो मूवमेंट पंजाब से कंफर्टेबल चला रहे हैं अगेंस्ट फेडरल आपको आपकी पॉलिटिक्स को एग्रेसिव पॉलिटिक्स को हिट लगेगी, आप ये वाला काम थोड़ा सा डिले कर दें। लेकिन मुझे लगता है ट्रस्ट डेफिसिट, खान साहब इलाही साहब को ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है और वो एक दूसरे को प्रिटेंड कर रहे हैं, परवेज इलाही साहब और खान साहब एक दूसरे को प्रिटेंड कर रहे हैं वी आर टुगेदर बट दे आर नॉट टुगेदर, वो दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। स्पेशली देखिए जब आप सुने कि जब आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब और उनके साहबजादे कह रहे हैं कि हमें जनरल बाजवा साहब ने कहा कि आप जो है वो इमरान खान साहब का साथ दें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो क्या सोच रहे होंगे इस वक्त उनके बारे में कि उनके कनेक्शन उस दौर में इतने जबरदस्त थे कि जिस दौर में उनकी गवर्नमेंट गिराई गई जब वो एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत कर रहे थे, उस दौर में परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब बाजवा साहब से पूछ रहे थे कि बताएं हमें क्या करना चाहिए। तो एक ट्रस्ट डिफिसिट है मेरा ख्याल है, एक एतमाद का फुकदान है, और जो मुझे लगता है 23 तारीख को इमरान खान साहब अगर ऐसा करते हैं तो वो डेस्परेशन में करेंगे और उनको ये यकीन हो चला है कि मैं जो है बंद गली में चला गया हूं और मेरे पास अब रास्ते बहुत लिमिटेड हैं, अगर मैंने ये ऑप्शन भी अडॉप्ट ना किया तो मैं इतने अरसे से जो पब्लिक को मासेस को मोबिलाइज कर रहा था अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट, तो वो विंडो मैं खो दूंगा और वो विंडो वो नहीं खोना चाहते क्योंकि उनकी एस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं हो सकी, उनकी सियासी जमातों से भी बात नहीं हुई, थर्ड फिर असेंबलियां तोड़ के प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं और मेरा ख्याल है जनवरी के बाद तो वैसे ही इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो जाएगा चाहे असेंबलियां टूटे या ना। अभी से इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो गया, नून लीग ने कन्वेंशन स्टार्ट कर दिए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दिसंबर के एंड से कन्वेंशन स्टार्ट करने का सोच रही है। मोहसिन बेग साहब, क्या आपको लगता है कि 17 दिसंबर को पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, परवेज इलाही क्या करेंगे अगर लेट्स सपोज इमरान खान ऐलान कर देते हैं तो उसके बाद परवेज इलाही के पास ऑप्शन क्या बचेंगे? बहुत शुक्रिया गरीदा, मेरे ख्याल में उनको ये सारे ऐलान कल ही करने चाहिए थे, 16 दिसंबर है सकूत ढाका हुआ था, वो भी एक न्याजी था, ये भी एक न्याजी है। ये मसला ये आ रहा है कि एक स्टेबल माइंड नहीं है, कल की आप इनकी स्पीच सुन लें जिसमें इन्होंने बहुत पैंतरे बदले, पहले कहा कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट को फौज को न्यूट्रल होना चाहिए और पिछले 7-8 माह से उनके न्यूट्रल के ऊपर जो इन्होंने तकरीर की वो भी आपके सामने है। अब बंदा इनसे सिर्फ एक बात पूछे कि आपको इतनी जल्दी इलेक्शन की क्यों क्यों है, पहले तो समझ आती थी आर्मी चीफ लगाना था, ये समझ रहे थे मैं अपना बंदा आके लगा दूंगा इलेक्शन हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा, ये शायद इनको गलत फहमी कि इलेक्शन के डायनेमिक्स ऐसे नहीं होते, आपकी पॉपुलरिटी एक बबल था वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से हवा निकल गई, अब जनरल इलेक्शन में बाय इलेक्शन में बहुत फर्क है। और फिर जब आप 2018 में आए जो आपने लोगों से वादे वहीद किए और उसमें से एक पूरा नहीं किया और अब आप इलेक्शन में जाएंगे तो क्या वादे करेंगे, क्योंकि आप 4.5 साल गवर्नमेंट में रहे और 4.5 साल की आप कारकर्दगी पे आप बात नहीं करते और ना किसी के सवाल का जवाब देते, तो मकसद ये है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो, इसकी इकोनॉमी बहुत ही फ्रेजाइल है, ट्रबल में है, पब्लिक उस वजह से हीट फील कर रहे हैं, तो इसका और इसके जो बाहर के हैंडलर थे उनका एजेंडा यही था कि पाकिस्तान को स्टेबल ना होना दिया जाए और ये उस काम पे लगे हुए हैं, वरना आज असेंबली से इस्तीफा दे दें और फिर 4 महीने बाद या 3 महीने बाद इलेक्शन होते हैं तो उसके अगर बजट के बाद इलेक्शन हो तो इनको क्या फर्क पड़ता है, क्या ये आके वापस जो है वो सारी चीजें ठीक कर लेंगे, 4.5 साल में खराब आपने की थी, अगर आपकी नीयत होती तो पहले जब आपको पाकिस्तान एक स्टेबल पाकिस्तान मिला था उस वक्त, लेकिन आपने क्या किया। अब आपके सवाल का जवाब कि परवेज इलाही साहब बहुत अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, उन्होंने सारी अपनी गेमें और सारे दरवाजे और बैकडोर चैनल खोले हुए हैं, वो सबसे मिल भी रहे हैं, अगर खान साहब ऐलान करते हैं कि जी मैंने जाना है वो मैं आपको बता दूं वो इस स्टेज पे किसी सूरत गवर्नमेंट नहीं छोड़ना चाहता जिसका नाम परवेज इलाही, क्योंकि उनके बेनिफिट में जाता है। हाँ, दूसरी साइड से नून लीग है, नून लीग अगले इलेक्शन में इस कंडीशन में नहीं जाता चाहती कि परवेज इलाही के पास पंजाब हो और ये इलेक्शन लड़ने चाहे, वो उनका बेस कैंप है, तो ये सूरत हाल आपको मेरे ख्याल में कल तो परसों तो शायद वाजे ना हो, अगर ये हो जाता है तो ऑप्शंस बड़ी मौजूद है, हो सकता है परवेज इलाही साहब इनके कैंडिडेट बन जाए, इनके नाम बने
और अगर केयर टेकर आता है और इलेक्शन में ही जाते हैं तो मैं आपको आज मीडिया आप प्रोग्राम संभाल के रखिएगा, खान साहब को बहुत शदीद धचका लगेगा क्योंकि फिर इन्होंने उसके रिजल्ट नहीं मानने और इन्होंने कहना जी केयर टेकर और ये जो इलेक्शन कमीशन है और ये जो फेडरल गवर्नमेंट है और इन्होंने मिल मिला के मुझे हरवा दिया, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी मानने के लिए वो शख्स तैयार ही नहीं है। और जिसका जमहूरी जहन ये हो कि ना मैं खेलूंगा, आपकी 123 सीटें अभी भी कौमी असेंबली में है, आप वहां से भी भाग गए और अभी आप पंजाब असेंबली से जाना चाहते हैं, केपी को रिटेन करना चाहते हैं कि केपी असेंबली नहीं तोड़नी, और जब पंजाब में इलेक्शन होगा ऊपर एमएनए मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम लीग नून की है और नीचे जब आप उनके इलेक्शन करवाएंगे तो आपका क्या ख्याल है, वो एमएनए इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उसका अपना हल्का है। तो ये चीजें सारी जो है ना वो एक सियासी जहन ही सोच सकता है, एक फसादी जहन नहीं सोच सकता। तो ये शख्स चाहता है ना खेलू ना खेलने दू, तो उसी काम पर मजिद है और अपनी जात तक किसी और की नहीं, अपनी जात की फिक्र है। ठीक ठीक है नजील खाई साहब, से आप क्या समझते हैं कि इमरान खान बनगिली में फंस गए हैं, 17 दिसंबर को क्या वाकई असेंबली डिसॉल्व करने का ऐलान हो सकता है, और उसके बाद अगर लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि ये ऐलान अगर हो जाता है नजील खाई साहब कि असेंबली डिसॉल्व करनी है तो फिर बनगिली में कौन फंसेगा, इमरान खान फंसेंगे या परवेज इलाही फंसेंगे? नजील खाई साहब, असल बात यह है कि जिस दिन इन्होंने लाहौर से रवाना हुए थे लॉन्ग मार्च लेकर, मैंने उसी दिन कहा था कि ये बनगिली की तरफ जा रहे हैं और ने ये ऑप्ट किया था। फिर उस इस लॉन्ग मार्च का जो तर्ज अमल था या जो तरीके का था, हमने ये पाकिस्तान में पहली बार देखा कि इस तरह का लॉन्ग मार्च भी होता है कि आप 6 घंटे सड़कों पर रहें, फिर घरों को चले जाएं, फिर जाकर सो जाएं अपने अपने घरों से, फिर वापस आएं, फिर नया क्राउड आए वो आकर उनके साथ चले, और वो कोई ऐसा बड़ा क्राउड नहीं था। पहले 2-3 दिन तो मैंने खुद जाकर, मैंने पर्सनली जाकर देखा था कि किस तरह से चल रहा था। वो जब शाहदरा पहुंचा है और शाहदरा से आगे मुरीद के पहुंचा है तो इन पूरे इलाके इसमें जब चल रहा था तो मैं उसको देख रहा था, और कोई पाकिस्तान की तारीख में उसका कोई मकाम ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, कोई कह ही नहीं सकते कि आप ये कोई बड़ा क्राउड लेकर निकल रहे थे। और आखिर में भी जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। इमरान खान साहब को किसी ने नुस्खे बताए हुए हैं और वो नुस्खे कहीं और इस्तेमाल होते हैं और यहाँ इस्तेमाल नहीं होते हैं। साइको वारफेयर के बड़े माहिर जो हैं वो इनके दिमाग बने हुए हैं और जो इनको बताते हैं कि अब ये चाल चलनी है, ये चेस बोर्ड पर चेस खेल रहे हैं, ये सियासत नहीं कर रहे हैं। और 2013 से इनका एक तर्ज अमल रहा है कि अगर हम इलेक्शन जीतने के बाद कामयाब नहीं और अपोजिशन में बैठना पड़ेगा तो हम हुकूमत को नहीं मानेंगे, और अगर हम हुकूमत में आ गए और जो आ गए थे 2018 में तो हम अपोजिशन को नहीं मानेंगे। और ये उनका तर्ज अमल जो है दायमी है, कोई आर्जी नहीं है। हाउस में ये कभी भी नहीं रहे, पिछली असेंबली में भी ये बाहर रहे थे और खासा अरसा बाहर रहे थे और अब भी ये पिछले 8-9 माह से जो है असेंबली से बाहर हैं और असेंबली को, पार्लियामेंट को, आवाम के मुंतखबीदारों को कोई अहमियत नहीं देते हैं। अच्छा ये भाई इलेक्शन तो फ्री हुए थे ना, आप तो जीत गए थे ना, आपकी एक मेजोरिटी आई थी, आप कुछ लोगों को लेकर अपने साथ हुकूमत में शामिल हुए थे, वो लोग आपको छोड़ गए। अब आपके पास जो तरीकाकार था वो आइन के मुताबिक हुआ, आपको एक आइनी तरीके से तहरीक जमात लेकर घर भेजा गया, तो फिर आपको ये असम्बलियां छोड़ देने की क्या तक बनती थी? हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आप असम्बलियों से रिजाइन क्यों कर रहे हैं। यानी सर वो मानते ही नहीं है, सिस्टम को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि ये सब झूठा सिस्टम है, ये सब एक साजिश के तहत सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। ये रिजल्ट मान कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हम सिंगल मेजोरिटी पार्टी बन कर रहे हैं, हम इलेक्शन जीत कर रहे हैं, इक्तदार ले लिया, वजीर आजम रहे 3.5 साल तक, उन्होंने इक्तदार के सारे लवाजमात पूरे किए, और जब तारीख आजम इतमाद के जरिए हटा दिए गए और ये आयनी तरीकेकार था, एब्सोल्युटली आयनी तरीकेकार था, जब हटा दिए गए तो फिर अब कौन सा ऐसा मसला रह गया था जिसकी वजह से वो जो है वो उनका जमहूरी पार्लियामानी हक है ना, अगर वो इस्तीफे देना चाहते हैं, अगर वो असेंबलीज का हिस्सा नहीं बनना चाहते 17th को सर, इनका है तारीख में और इलेक्शन में कोई कामयाब नहीं हुआ या किसी के खिलाफ तारीख में किसी और मकाम पर किसी और मुल्क में कभी कुछ तारीख जो है पास नहीं हुई है, ऐसा कैसे नहीं दुनिया में होता रहा है? इन लोगों के खिलाफ तारीख का जो इतमाद होती है वो असेंबली छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, और जैसे असेंबली को कल तक ऑन करते थे उसको ऑन नहीं कर रहा, इदारों के साथ जंग अलग शुरू की और कहा कि जनाब यानी पहले हर सब 17th को क्या होता हुआ देख रहे हैं आप, असेंबली डिसॉल्व होते भी देख रहे हैं?
मैं वो तो ऐलान करेंगे, उन्होंने खुद भी ये कहा है कि उस तारीख का ऐलान करेंगे। हाँ। वो दिसंबर की है, जनवरी की है, फरवरी की है, मार्च की, हमें नहीं बताया, उनके दिल की बात है, वो जब चाहे करें। और उन्होंने ये पहले भी ये कहा था कि मैं 25 मई को कहा था कि मैं नेक्स्ट डेट दूंगा, वो नेक्स्ट डेट जून में कहा, फिर जुलाई में कहा, फिर अगस्त में कहा, फिर सितंबर में कहा, फिर जाकर उन्होंने अक्टूबर में डेट दी, और डेट देने के बाद वो निकले उसके लिए लांग मार्च के लिए डेट देने में उन्हें मई से लेकर ये लग गया। अब असेंबली अथॉरिटी के लिए इनको कौन सा डेट शूट करता है? अभी इन्होंने तारीख देनी है कि मैं किस तारीख को असेंबलियां तोड़ूंगा। और अच्छा, इनके इनके तोड़ने के ऐलान की आईनी हैसियत क्या होगी? महमूद का फर्ज करें, एक बिल्कुल मफरूजा है, महमूद खान नहीं मानते उस तारीख को, असेंबली नहीं तोड़ते, चौधरी परवेज अली असेंबली नहीं तोड़ते, तो इनके ऐलान करने से असेंबलियां टूट जाएंगी क्या? जी, यही सबसे बुनियादी है कि जिन लोगों ने यही बुनियादी जिन्होंने असेंबलियां तोड़नी है वो तो दो और मुतालिका आदमी है जो है चौधरी परवेज अली, वो ऐलान कर रहे हैं। बस लिबर्टी चौक में एक मेला लगाना है और उसके अंदर बैठ कर एक तकरीर करनी है, तकरीर करने के बाद आखिर में कोई नई डेट देनी है, फिर नई डेट पर नई चीजें होंगी। राइट, यानी कि एक नई तारीख, तारीख पे तारीख, नई तारीख। अमीर अब्बास साहब, आप क्या देख रहे हैं कि 17 को इमरान खान असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, बावजूद इसके कि वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं इस्लामाबाद में जलसे में कि हम असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं, तो अब वाले ऐलान में फर्क क्या होगा? और ये जो असेंबलियां तोड़ो तहरीक चलाना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए एक बहाना होगा या कौमी असेंबली के लिए एक प्रेशर? अमीर अब्बास साहब, देखिए जैसे अलगारी साहब फरमा रहे थे कि वो बार बार बहुत सारे मौाकों पे तारीख देते रहे, फिर उस तारीख को अगली तारीख पे ले गए या तारीख वापस ले ली, जिसको लोग तंजन यू टर्न भी कहते हैं। लेकिन एक फर्क है गरीदा, कल उन्होंने बगैर किसी भाम के बड़ी ठोस हालत में एक 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 बात कही कि मैं 17 तारीख को तारीख दे दूंगा कि असेंबली कब टूटनी है। अब परसों 17 तारीख है, तो परसों उन्हें अब तारीख देना पड़ेगी कि वो असेंबलियां कब तोड़ रहे हैं। जो इतला आ रही है तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी हमारे कुछ जराए हैं, उसमें 23 दिसंबर और 24 दिसंबर और 25 दिसंबर ये तीन तवारीख हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनमें से कोई एक तारीख हो सकती है जिसपे इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे। अच्छा, अब देखिए जैसे पहले बात हो रही थी ना कि असेंबलियां तो इमरान खान खुद नहीं तोड़ सकते, वो तो या महमूद खान तोड़ेंगे या परवेज अली। इसका मतलब है कि अगर वो ऐलान कर देते हैं परसों कि फला तारीख को असेंबलियां टूट रही हैं कि हम तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि परवेज अली और महमूद खान ने उन्हें अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। परवेज अली और महमूद खान तो देखिए है ही उनकी अपनी पार्टी से ना, महमूद खान की तो अपनी कोई सियासी हैसियत नहीं है। महमूद खान इससे पहले एक प्रोविंशियल मिनिस्टर थे और वो पहली दफा इलेक्ट होकर आए थे, उसके बाद उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। महमूद खान का तो अपने कोई पोलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है, महमूद खान जो कुछ भी है वो आज इमरान खान की वजह से है। महमूद खान आज इमरान खान से टकरा कर अपनी सियासत पाश पाश कर बैठेगा, वो ठहर नहीं सकता। और परवेज अली हाँ, उनका ठीक है, एक अपना सियासी कदकाट है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, लेकिन वो दोनों बाप बेटा वो बारह ये कह रहे हैं कि हाँ हम इमरान खान के साथ हैं, और परवेज अली तो जैसे कह चुके हैं कि एक मिनट भी देर नहीं लगाऊंगा, लेकिन साथ साथ वो अपने दिल की बात कहते रहे हैं, जैसे शायद मोहसिन बेग साहब जिक्र कर रहे थे कि वो नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि कम अज कम 3-4-5 महीने और इसको चलाया जाए। ये उनकी ख्वाहिश है, और उनकी ख्वाहिश इस वजह से भी है कि देखिये उन्होंने बिलाशुबा वो पंजाब में बहुत सारे तरक्याती काम उन्होंने शुरू कर रखे हैं, जिनकी अगर आप फहरिस्त गिनना शुरू करें तो वो एक बड़ी तवील फहरिस्त बनती है। हर सियासतदान ये चाहता है, हुक्मरान चाहता है कि वो जो काम शुरू कर चुका है उसकी तख्ती वो लगाए। हमारे यहाँ तो वैसे ही तख्ती लगाने का कल्चर है, यहाँ तो दूसरों की उखाड़ के अपनी लगा दी जाती है इस मुल्क में। तो जो मंसूबे उन्होंने शुरू किए, और फिर वो ये भी जानते हैं परवेज अली के वो 77 साल की इस वक्त उम्र में है, आज तो इमरान खान ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया चूंकि वो इमरान खान की मजबूरी थे, लेकिन अगर इमरान खान पंजाब में सिंपल मेजोरिटी हासिल कर लेता है खुद अपनी अपनी सीटों से, तो फिर तो उसको परवेज अली की या कौफ अली की जरूरत नहीं पड़ेगी, नमूने सलाई की जरूरत पड़ेगी, तो फिर परवेज अली दोबारा शायद कभी चीफ मिनिस्टर जिंदगी में इतनी आसानी से ना बन सके। लिहाजा उनके उनके जेहन में भी एक गुमगू की कैफियत है, वो जिसे कहते हैं ना कि इरादा बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो ये इमरान खान की भी यही कैफियत है, परवेज अली की भी यही कहती है। तो 17 दिसंबर को अमीर अब्बास साहब, अगर असेंबलियां तोड़ने की नई तारीख आ जाती है, हतमी तारीख आ जाती है, तो फिर बंद गली में कौन फंसेगा? इमरान खान फंसेगे या परवेज अली? क्योंकि परवेज अली को फिर तो असेंबली तोड़नी होगी, और अगर नहीं तोड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के तूफान का भी सामना करेंगे, फिर गद्दार भी कहे जाएंगे, फिर लोटे भी कहे जाएंगे, फिर सब कुछ कहा जाएगा, और फिर परवेज अली क्या पीडीएम की तरफ जा सकते हैं, उनकी ऑफर कबूल कर सकते हैं? अमीर अब्बास साहब,
देखिए गरीदा कल भी मुलाकात हुई है मुनीस सिलाई साहब की, जैसे ही इमरान खान साहब का खिताब खत्म हुआ फौरी तौर पर मुनीस सिलाई पहुंच गए जमान पार्क, प्रेजिडेंट आरिफ अलवी भी पहुंचे। मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान परसों तारीख देते हैं तो वो तारीख अपने तय नहीं देंगे। आपके सवाल का अगर कॉन्टेक्स्ट ये हो ना कि वो परवेज इलाही को एतमाद में लिए बगैर तारीख दे रहे हैं, फिर वो वही सूरत हाल होगी जिसका आप इजहार कर रही हैं। मुझे लगता है कि अगर वो अब 17 को तारीख देंगे तो वो परवेज इलाही को एतमाद में लेकर देंगे, वो महमूद खान को एतमाद में, और उन्होंने पार्टी मुशावरत कर ली है, पार्टी के मुख्तलिफ डिविजन मुख्तलिफ कमेटीज के साथ उन्होंने मुशावरत की है जिसके बाद कल वो इस फैसले पर पहुंचे। तो अगर वो परवेज अली को एतमाद में लेकर असेंबलियां तोड़ेंगे तो फिर तो जारी बात है, फिर तो कोई बहस ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उस सूरत में बिल्कुल ठीक बात है कि उस सूरत में बहस खत्म हो जाएगी, बट देन अगेन परवेज अली के हाथ में क्या आएगा। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इलेक्शंस हो जाते हैं, पीटीआई एक वाजे मेजोरिटी पंजाब में ले लेती है तो फिर परवेज अली का तो मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा ना आगे, फिर वजारत आला वगैरह का भी। यहां पर डिबेट जनरेट करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक का भी प्रोग्राम में वक्त हो गया, और उसके अलावा फिर पीडीएम की गवर्नमेंट के पास अब ऑप्शन क्या है। पंजाब केपी असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाती है तो क्या यह प्रेशर बिल्डअप हो सकेगा फेडरल गवर्नमेंट पे कौमी असेंबली डिसॉल्व करने के लिए, गिवन दैट इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है। इस पे पॉइंट पे मजीद डिबेट जनरेट करते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आदिलाबाद से भी सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊंगी कि लेट्स सपोज अगर असेंबली डिसॉल्व करने की हतमी तारीख आ जाती है और पंजाब और केपी असेंबली वाकई डिसॉल्व हो जाती है तो क्या ये इनफ प्रेशर होगा फेडरल गवर्नमेंट पे कौमी असेंबली डिसॉल्व करने के लिए, गिवन जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है मुल्क की। मेरा ख्याल है होगा, क्योंकि असेंबलियां डिसॉल्व होना और इतनी सीट्स पे इलेक्शन होना इट्स नॉट अ जोक, ये एक सीरियस बिजनेस है और फेडरल गवर्नमेंट की मुलाकात तो वो इसी शाखसाना है। मेरा इस एक्सट्रीम पोजीशन तक खान साहब को इसलिए नहीं जाना चाहिए कि मसला सिर्फ और सिर्फ खान साहब का या पीएमएलएन का नहीं है, मसला मुल्क की मईशत का है। अगर मुल्क की मईशत गई तो ना वो फिर आपसे संभलेगी ना हमसे संभलेगी। और मेरा ख्याल है इलेक्शन खुला हुआ है लेकिन खान साहब मांगते हैं डेट, डेट देने की वो पोजीशन में नहीं है। लेकिन अगर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा। ये इलेक्शन कहना आसान है, कराना बहुत मुश्किल होगा। एमएलए ऊपर होंगे, नीचे एमपीएस के इलेक्शन होना और फिर एक एनवायरमेंट बन जाएगा ना कि पंजाब और केपी के अंदर। और इससे पहले जो बात हो रही थी, मेरा ये ख्याल जानता हूं महमूद खान साहब एक मिनट इमरान खान की इस हुक्म पे समझो, सिर्फ परवेज इलाही साहब का मामला जो है थोड़ा दूर है जिसकी वजह से एक थोड़ी सी उनको हर्डल आ रही होगी। अदरवाइज जो है वो केपी में कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज गरीदा गौर करने की जरूरत है, वो ये कि एक तरह की तो खान साहब ने फुल टॉस भी दे दिया केपी के अंदर। अगर कोई चाहे तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के लिए ले आए, और जैसे ही अगर वो आ गई तो उसके बाद तो आप असेंबलियां नहीं तोड़ सकेंगे। तो एक तरह से उन्होंने एडवांस में ये कह के ये इशारा भी दे दिया है कि भाई अगर कोई ऑपोजिशन इस तरह को हिलजुल करना चाहती है तो कर ले, बट मेरे पास अब रास्ते नहीं बचे। मेरे पास यही रास्ता है जिस रास्ते से मैं अपनी असेंबलियां तोड़ के आवाम को मुतमईन कर सकता हूं कि मैं इस हुकूमत के खिलाफ संजीदा एक एफर्ट कर रहा हूं। और एक तरह से ये गैप भी है, आपने सुना होगा फेडरल गवर्नमेंट तैयारी कर रही है, पीएमएलएन तैयारी कर रही है कि पंजाब में वो काउंटर अरेंज करें अगर वो असेंबली डिसॉल्व करते हैं पंजाब में। भी तो उन्हें यकीन है परवेज इलाही साहब की सूरत में कि परवेज इलाही साहब ने जोर लगाया हुआ होगा कि वो असेंबली ना टूटने दें। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगा कि परवेज इलाही साहब हैव बीन फेल टू कन्विंस खान साहब, देन डेफिनेटली दे वुड गो फॉर फर्दर ऑप्शन, यानी पीएमएलएन की गवर्नमेंट जाएगी। बट केपी में तो उन्होंने क्लियर कट इशारा दे दिया है कि अगर ऑपोजिशन चाहती है तो जल्दी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आए, वरना इतने दिन का गैप कौन देता है। और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो अपने फर्म स्टांस ले लेंगे कि जी उनके पास तो रास्ता बचता है इसका, क्योंकि वो जिद पे अड़े हुए हैं कि जी मुझे इलेक्शन चाहिए ही चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट कहती है इलेक्शन करा नहीं सकते। उनके पास सिर्फ एक यही वाहिद रास्ता बचा है कि जिसके जरिए, और ये एक तरह से ये प्रेशर इसलिए भी है कि वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें एंगेज कर ले कि जी थोड़ा ऐसा करें गुजारा कर लें, उनके टर्म्स टॉकिंग टर्म्स दोबारा शुरू हो जाएं किसी तरह, वो अपनी अगर अपनी मर्जी की ना सही लेकिन कोई अर्ली डेट इलेक्शन की ले सकें। लेकिन हम एक चीज मिस कर रहे हैं कि अगर यहां पर दोनों असेंबली डिसॉल्व हो जाती हैं और फेडरल गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ जाता है या मामलात इंटरिम की हद तक जाते हैं तो ये इंटरिम मेरा ख्याल है वो इंटरिम नहीं होगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिर इंटरिम जो है वो बड़ा संजीदा इंटरिम होगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि इस वक्त हम इलेक्शन में चले जाएं और उसके बाद नतीजा जो भी है, क्योंकि हमारी जमातों ने वो तस्लीम भी नहीं करना होता और इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की ऐसी नहीं है कि अफोर्ड कर सके। और खुदा का वास्ता है
कि हमारी सियासी जमातों को ये चाहिए कि इस पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए। ये मुल्क अभी किसी सियासी जमात से चलने वाला नहीं है। इस मुल्क को तमाम सियासी जमातों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग से 10 से 15 साल इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन करके चलाना पड़ेगा। अदरवाइज ये किसी की बस की और इलेक्शन की बस की बात नहीं है कि आप फ्रेश मैंडेट से भी आ जाएं तो शायद दूसरे आपको चलने देंगे। कोई ब्रिटिश डेमोक्रेसी नहीं है या दूसरी पार्टियां सड़कों पर होंगी अगर कुछ बहुत ज्यादा अर्ली हो गया। बिल्कुल ठीक कहा आदिल अब्बास साहब आपने। और होना ये चाहिए कि एक पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक विजन, एक इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए और उसके इकोनॉमिक पॉलिसी के गवर्नमेंट्स के, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के आने जाने से फर्क ना पड़े। सियासत होती रहे लेकिन मईशत की जो पॉलिसीज आप बना के चले जाए वो थ्रू आउट द गवर्नमेंट, चाहे पीटीआई की हो, चाहे पीएमएलएन की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, वही कंटिन्यू रहनी चाहिए। अब ये कौन कर सकेगा? नजीर लखारी साहब इस पे आपका मैं कमेंट जरूर चाहूंगी। प्लस इस गिवन सिनेरियो में सारे, खासतौर पर 17 दिसंबर, पोस्ट 17 दिसंबर, पीडीएम के गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं गिवन दैट इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। इमरान खान ने कल अपील की एस्टैब्लिशमेंट से कि आप न्यूट्रल रहें। मैं चाहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी अपील कर दी, इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया कि फौज खुदा के लिए मुल्क में इलेक्शन करवाने में अपना किरदार अदा करे। नजीर लखारी साहब जी, एक तरफ ये कि गैर सियासी हो जाए, दूसरी तरफ ये कि सियासी अमल में हिस्सा लें, दोनों बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि फर्ज करें ये असेंबलियां तोड़ दी जाती हैं, फर्ज करें कि इमरान खान साहब दोनों असेंबलियां तोड़ देते हैं, फर्ज करते हैं कि हुकूमत भी राजी हो जाती है कि चले भी कौमी असेंबली और बाकी असेंबलियां भी तोड़ते हैं, ये भी यहां भी हो जाता है, फिर क्या होगा? उसके बाद क्या बाकी अमल जो है हो चुका? आपने सेंसस करा लिया है, ये आईनी जरूरत है। आपने हल्का बंदियों के लिए उससे पहले आपने जो है वोटर लिस्टों की तैयारी शुरू कर दी है। वोटर लिस्टों की तैयारी में आपको कितना वक्त लगेगा? उसके बाद आपने हल्का बंदियां करने, हल्का बंदियां पूरे कौमी असेंबली की तमाम सीटों की और सूबाई असेंबलियों की तमाम सीटों की नए सिरे से हल्का बंदियां होंगी, क्या ये काम आपने कर लिया है? उसके बाद जाएंगे आप इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको इलेक्शन का शेड्यूल ऐलान करना होगा। अच्छा, जिस कंडीशन में आप चल रहे हैं, जिस सूरत हाल में आप चल रहे हैं, क्या इस सूरत हाल में आप, मुझे ये नहीं है कि इकोनॉमिकल कोई डिजास्टर हो रहा है, वो तो नजर आ रहा है कि हम बहुत खराब सूरत हाल से दो चार हैं। मुझे अब भी सबसे ज्यादा खतरा हमारे अपने मुल्क को लग रहा है। मुझे नहीं, मुझे बहुत से देखें, आप सिर्फ अपने अवामिल को ध्यान में ना रखें कि हमारे ये इंटरनेशनल प्लेयर क्या चाहते हैं। आपको पता है ये रिकॉर्डिंग कस्ट जो जिस तरह से जिस अंदाज में ये मुआहदा हुआ है वो किस तरह का मुआहदा है? आम हालात में आप इस मुआहदे की तरफ देख भी नहीं सकते थे। आपको पता है कि ये पहाड़ जो है इनसे सोना निकालने का मामला नहीं होगा, सोना यहां नहीं निकाला जाएगा, पहाड़ के पहाड़ उठा कर ले जाए जाएंगे, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, यहां पहाड़ नहीं होगा। आपको जहां जिस पहाड़ कितने मुरब्बा मील पर जो आपको पहाड़ मिला है ये नहीं होगा आपके पास। अभी अजीबो गरीब सूरत हाल का शिकार है पाकिस्तान, पाकिस्तान के अपने सर्वाइवल का मसला है। आप जा रहे हैं, पहले आप मोटरवेज को गिरवी रखते थे, इमारतों को गिरवी रखते थे, फुला इमारत गिरवी रखते थे, अब आपको इलाके जो है वो रखने पड़ेंगे। आप कहेंगे आज जी स्वात वैली को हम जो है वो ठेके पर दे रहे हैं या हम उसको गिरवी रख रहे हैं, कागान वैली को हम, या बर्दाश्त कर सकेंगे? इस तरफ को हालात आपके जा रहे हैं और आपके, मुझे लग रहा है कि आपकी सोवरेनिटी जो है कॉम्प्रोमाइज होने चली जाएगी अगर यही हालात रहते हैं। तो फिर अब इन हालात में आप इलेक्शन करवाने जाएंगे और फिर एक ऐसे सिनारियो में जिस शख्स ने तय कर रखा हो कि अगर अपोजिशन में होगा तो हुकूमत को नहीं चलने दूंगा और अगर हुकूमत में हो तो अपोजिशन को जिंदा नहीं रहने दूंगा, इस जहनियत के साथ जो आएगा और इलेक्शन हो गए और मैं हार गया तो इलेक्शन नहीं मानूंगा, रिजल्ट नहीं मानूंगा, कौन इस हालत में कौन सियासी अमल कर सकता है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या न्यूट्रल है? हमें नहीं मालूम है क्या जो जिन 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 70 साल में जो प्रोसेस चलता रहा है वो है वैसे का वैसे, हमें वो चीजें वैसी नजर नहीं आ रही हैं। हमने देखा है कि जब कोई हटाया जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं जो कुछ हुआ है सवाती साहब के साथ, जो कुछ हुआ है शहबाज गिल के साथ, वैसा लोगों के साथ किया जाए या इमरान खान के साथ किया जाए, लेकिन ये सिनारियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो कुछ पहले होता रहा है वो कुछ नहीं हुआ है और मैं ये कह रहा हूं कि दो आदमियों के साथ या हमारे मीडिया के दोस्तों के साथ होने वाली ज्यादती को आप एक पॉलिटिकल ज्यादती के तौर पर ना ले। ये चंद लोगों के खिलाफ सेलेक्टिव हुआ ताकि शोर मच सके, हंगामा हो सके, बताया जाए ओहो मार दिया। कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं हुआ। उल्टा यह है कि हुकूमत के मुंह पर कारक लगाई गई है कि देखो बुरे आदमी के 70 साल के आदमी का ख्याल नहीं रखा गया। देखा शहबाज गिल के साथ ये हो गया, लेकिन ये मुझे अब भी ये लगता है
कि जिनको न्यूट्रल कहा जा रहा है वो न्यूट्रल नहीं है, उनका एक स्टेक मौजूद है खान साहब के साथ और उनका उनकी बहुत सी चीजें जो है वो खान साहब डिलीवर कर सकते हैं अगर वो समझे। लेकिन खान साहब अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो इस बात पर भी परेशान है, जो हमारे जो जो ताकत के मराकज है वो भी इस बात पर परेशान है। इसीलिए मालूम नहीं होता है कि जो ताकत के असल मराकज हैं वो क्या सोच रहे हैं, मसलन इदारे क्या सोच रहे हैं, पार्लियामेंट किस हालत में है, अदलिया क्या सोच रही है, और ये कि एग्जीक्यूटिव क्या देख रही है, और एग्जीक्यूटिव जो नीचे ब्रांचेज हैं सिक्योरिटी वाले क्या सोच रहे हैं, किस अंदाज में देख रहे हैं चीजों को, ये सारी चीजें वाजे नहीं है। मुझे मुल्क की सलामती की तशवीश है, मैं चूंकि मैंने बंगाल को डूबते देखा है इसलिए मुझे तकलीफ दे लगती है ये सारी सूरत हाल, मुझे वैसे ही परेशानी लगती है। हमने नहीं देखा था बंगाल के सैलाब को जिसने पूरे 5 दिनों के अंदर तबाह 5 लाख आदमी मार दिए थे। राइट, एक छोटी सी ब्रेक के वक्त हुआ है प्रोग्राम में, मोहसिन बेग साहब से जवाब लेना बाकी है, अमीर अब्बास साहब से भी इस हवाले से, सो ये मजीद आंसर्स इस हवाले से लेते हैं प्रोग्राम में डिबेट के हवाले से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन वी विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहसिन बेग साहब आपके पास ये सवाल लेके आऊंगी, पीडीएम की गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस क्या हैं? इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बरकरार है और इस इंस्टेबिलिटी के खत्म होने का कोई चांस, कोई होराइजन पे कोई मंजरनामा नजर नहीं आता। सो पीडीएम की गवर्नमेंट के पास गिवन दैट इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन एक बहुत बुरे मेस का शिकार है, ऑप्शन क्या है नून लीग पीपल्स पार्टी के पास? मोहसिन बेग साहब देखिये, बड़ी ऑप्शंस महदूद हैं। इकॉनमी का जो हालत है उसको वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरली अगले 3-4 साल हमारी मुल्क की मईशत बहुत अंडर प्रेशर रहेगी, क्योंकि आपने इतने लोन पे करने हैं, आपने IMF को वापस टेबल पे लाना है, उनकी जो कंडीशंस हैं वो बड़ी टफ हैं। और उसके ऊपर अगर आप जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान से किसी शख्स को अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि भाई अगर इलेक्शन हम करवा दें आप रिजल्ट को मानेंगे, मेरा नहीं ख्याल ये मानेगा। ये सिर्फ एक ही सूरत में मान सकता है कि मुझे इक्तदार दे दो, वैसे कहता है अल्लाह ने सब कुछ दिया है, फिर भाई इक्तदार की इतनी भूख क्यों है, दिया होता तो आप ये चीजें तोशाखाने की क्यों बेचते और लोगों की जेबों पर आपकी नजर ना होती। तो मकसद ये, इलेक्शन इज नॉट द सोल्यूशन। आप इस इकॉनमी को, आप बिजनेस कम्युनिटी को, आप उनकी जो इश्यूज है उसके ऊपर बात करें और उसके ऊपर पूरी पॉलिटिकल पार्टी एलीट जो है और पार्टियां जो है उनको तो एक साथ बैठना चाहिए। डजंट मैटर कि आज आप हैं कल इलेक्शन होंगे, देखिए 10-8 महीने में रखने में रह गए जनरल इलेक्शन को, और बजट के बाद आपने फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना है। और ये जो बजट भी है ये कोई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लिए ईजी नहीं होगा, कि मतलब प्रोविंसेस के लिए भी इजी नहीं होगा क्योंकि पैसे हैं नहीं और महंगाई किस तरीके से है, जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो तो IMF फिर कह रही है आपको सब और बढ़ाने हैं। तो उस सूरत में तो मैं ये समझता हूं कि इनका फर्ज बनता था, जो हम अपने आप को लीडर कहलाते हैं, भाई लीडर आप पब्लिक की वजह से हो और इस मुल्क की वजह से हो तो पहले इसका तो सोच लो, इक्तदार की जंग बाद में लड़ लेना। तो अभी भी मैं आपको बताऊं कि ये बंदा, क्योंकि इसका वो मोटो नहीं है, इसने खुद पैसे कभी कमाए ही नहीं है, ये तो लोगों से इधर उधर से अगलों की पॉकेट मार लेते हैं। मकसद ये कि बड़े बड़े इस वक्त जो इंडस्ट्रीज हैं और जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स हैं और कारखाने हैं वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि और उनका 5-5, 10-10 हजार इम्प्लॉई है और वो अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो कहता था मैं नौकरियां दूंगा 1 करोड़, वो 1-2 करोड़ को फारक करके चला गया, वो 10 लाख घर भी याद नहीं है। लेकिन लेकिन तो लेकिन मोहसिन बेग साहब, इस वक्त इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, गैस नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, बिजली नहीं है, फ्यूल प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो इसका जिम्मेदार इमरान खान तो नहीं है ना? 8 महीने से तो नून लीग पीपल्स पार्टी वाली गवर्नमेंट में है। देखें ये कंटिन्यूशन थी उसके 4 साल की, 4.5 साल की, इनको तो क्राइसिस में डाउन द हिल आपको जाती हुई गाड़ी मिली है, उसको रोक तो इन्होंने लिया है लेकिन उसको ऊपर वापस लाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। मुल्क में सख्त नहीं है फाइनेंशियली कि आप किसी को रिलीफ दे सके, आवाम के लिए कोई बेहतरी या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सके। ये देखिए ना, मुल्क दुश्मनी इसको कहते हैं, ब्लेम भी मैं इसीलिए इसको दे रहा हूं कि जब आखिरी दिनों में IMF की कंडीशन थी कि आपने 30 रुपए या 25 रुपए पेट्रोल बढ़ाना है, इसने 10 रुपए कम कर दिए ताकि भुगतो, वो अभी तक हम भुगत रहे हैं। फिर जब IMF की डील थी तो आपने वो ऑडियो तो सुनी होगी, इन्होंने कहा सबको डाज कर दो,
और केपीके वाले को भी और पंजाब वाले को भी, ये मुल्क दुश्मनी नहीं है। और इसको आप क्या मतलब यहाँ टैंक आके ये चढ़ाएगा इस मुल्क पे? तो मकसद ये है कि ये काम अगर आप पाकिस्तान आप सबका है, इन सब लीडरों का है, इनको मिलजुल, इस वक्त पाकिस्तान का कोई और इशू नहीं, ना इलेक्शन है, ना कुछ और है, ना चमर पे गोलाबारी है, मईशत का इशू है, उसको संभाला देना चाहिए। राइट अमीर अब्बास साहब, आपका फाइनल टेक इस हवाले से कि पीडीएम की गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? क्या इसी तरह खेंचतान के गवर्नमेंट चलाना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, क्या इसमें मईशत बेहतर हो सकती है? ऑप्शंस क्या है नून लीग पीपल्स पार्टी के पास? देखिये सवाल ही पैदा नहीं होता गरीदा अगर कोई ये समझे कि वो जिस तरह पहले 8.5 महीने खींच के ले आया है तो वो खींचातानी से मईशत बेहतर हो जाएगी। भाई ये किस उम्मीद पर, एक उम्मीद होती है ना कोई उम्मीद सहर, किस उम्मीद पर ये तवक्को करते हैं कि हाँ ये फला काम हो जाएगा, हम जिस आस में बैठे हैं तो मईशत चल पड़ेगी? क्या कोई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोई 20-25 अरब डॉलर का कोई प्लान है? नहीं है। क्या अचानक आपकी रेमिटेंसेज जो है वो 3 times मल्टीप्लाई हो जाएंगी? नहीं हो सकती। क्या अगले 7-8 महीनों में आपकी एक्सपोर्ट्स 3 गुना बढ़ सकती हैं? नहीं बढ़ सकती। डेफिसिट आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 40-45 अरब डॉलर है। वो ये इनके पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि जो ये 8.5 महीनों में नहीं लगा सके आगे लगा सकते हैं? इनके पास ऐसी कौन सी नई फक्की आ जाएगी कौम को देने के लिए जो 8.5 महीने खिला के कौम को ठीक नहीं कर सके, मईशत को ठीक नहीं कर सके, अगले 10 महीनों में कर लेंगे? नहीं हो सकता भाई, ये डिनाइल मोड है। तो फिर क्या किया जाए? इलेक्शंस क्या हल है? इलेक्शन करवाने से मईशत ठीक हो जाएगी? और इलेक्शन में अगर इमरान खान नहीं आते, फेडरल गवर्नमेंट में वजीर आजम नहीं बन पाते, तो फिर क्या होगा? देखिए इलेक्शन किसी तौर पर भी मईशत का हल नहीं है। वो तो जो भी आएगा, इमरान खान ना आए या ये वापस आ जाए, तो मईशत तो वहीं से फिर दोबारा से काम 0/0 फिर 0 point से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, चाहे वो इंसानी रिलेशनशिप हो या वो दो अशिया के दरमियान रिलेशनशिप हो। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक चीज कम हो दूसरी बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक कम हो दूसरी कम होती है। ठीक। आप कॉन्टेम्परेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उठा के देख ले, कहीं पर भी जहां पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है वहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती। आपने 8.5 महीने देखिए ना, 8.5 महीने एक तजुर्बाकार हुकूमत गरीदा साहब, आप ये देखें शहबाज शरीफ 12.5 साल का वजारत आला का तजुर्बा, पंजाब की वजारत आला कई छोटे मुल्कों की वजारत उज्मा के बराबर है, दूसरी जमात पीपल्स पार्टी 15 साल का मुसलसल सिंध का तजुर्बा और 4 दफा का वजारत उज्मा का तजुर्बा, सरदार अख्तर मेंगल खुद चीफ मिनिस्टर रहे, एमक्यूएम बारहा इकतदार में आती रही, मौलाना फजल रहमान 12 इकतदार में आते रहे, एएनपी 12 इकतदार। भाई ये जो इत्तेहाद है, क्या ये कोई नया इत्तेहाद है? ये रोटी को चोची कहता है? इन्होंने क्या कहा था कि इमरान खान लैंड माइन बिछाकर गया है? तो वो लैंड माइन बिछाकर गया है तो उसको खड़ा था ना लैंड माइन के ऊपर, आपने पंगा लिया, कहा कि तुम अपनी टांग हटा दो, हम रखते हैं लैंड माइन पर टांग। अब लैंड माइन फट रही है, ये भी फट रहे हैं, तो भाई भुगतों पर पंगा लिया था जब वो भुगत रहा था या जब कौम उससे नफरत कर रही थी। फरवरी 2022 में गरीदा साहबा, मैंने खुदा की कसम लोगों को देखा झोलियां उठा के इमरान खान को बद्दुआएं देते हुए, झोलियां उठा के। इन्होंने कहा इमरान को बद्दुआएं क्यों दे रहे हो, हम है ना, उड़ता तेल गले में क्यों लिया इन्होंने? अब यह तो कोई बात ना हुई कि इमरान खान हुकूमत में है तो भी इमरान खान जवाब दे, इमरान खान ऑपोजिशन में है तो भी इमरान खान जवाब दे। बिल्कुल सही बात है। नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, जवाब इमरान खान दे। नून लीग पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में है, जवाब इमरान खान दे। ये कौन सी इक्वेशन बना के बैठे हम सियासत की और जमहूरियत की, खुदा के बंदो? ये बिल्कुल ठीक, कोई इक्वेशन बनाए ना? इक्वेशन है पूरी दुनिया में सिंगल वन लाइनर प्रिंसिपल है, सिटिंग गवर्नमेंट जवाब दे है। हुक्मरान वक्त जब इमरान खान था, आपके इसी प्रोग्राम में बैठ के लगारी साहब भी होते थे, बेग साहब, हम इमरान खान के बखिए उधेड़ते थे, हमने कभी कसर नहीं छोड़ी कि इमरान खान को एक्सपोज करने में। वो एक नाकाम तरीन से हुक्मरान गुजरा पाकिस्तानी तारीख का। लेकिन आज ये हुक्मरान 8.5 महीने बाबा, ठीक, ये 1/5 हिस्सा है 5 साल इकतदार का, उसके बाद भी हम कहेंगे। बिल्कुल ठीक। अमीर अब्बास साहब, आपकी
आपकी 100% 16 आने आपकी तमाम बातें दुरुस्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, सो वेरी सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू हियर एंड क्लोज द प्रोग्राम हियर। मोहसिन बेग साहब, नजीर लखारी साहब, आदिल अब्बासी साहब और अमीर अब्बास साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग डिबेट रही और कुछ ना कुछ आगे जानने का जो है मौका मिला कि आगे मंजरनामे में, सियासी और मुआशी मंजरनामे में चीजें बेहतर कहां पर हो सकती हैं। आज इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज़।